बाप का नाम शहाबुद्दीन अंसारी, और दो महीना तक वो लोग अब जाएगा तब जाएगा। इसके बाद हम लोग गए, दो महीना तक उनका घर तक घुसे हम लोग, तो बोला ये लोग अपने जाएंगे। उसके बाद अचानक बोला कि 5 लाख रुपया और एक ऑल्टो कार दीजिए, और नहीं तो बच्ची नहीं जाने देंगे। उसके बाद से फिर हमने सब जगह रिसीविंग दिए, मुनिडी थाना में हम दिए, जाके पांडे जी वहाँ जाके देखा तो उसका मार के पैर का तल्ली जो है छाल दिया है। उसके बाद आके अपना बेटी को आके मेरे बेटी को नकाबपोशी लगा कर अपना बेटी को यूज करके यहाँ मैं यहाँ बयान दिलाया SP थाना कि मैं नहीं जाऊँगा, नहीं तो माँ बाप मेरे खिलाफ़ बयान दिलवाया। उसके बाद मैंने बार बार ही किया सर, उसमें SP को, ग्रामीण SP को, महिला थाना को, सबको गुमराह किया। उसके बाद अचानक फिर से जो है आना जाना हम लोग कर रहे हैं तो घुसने ही नहीं दे रहा है। लड़की शादी होने के बाद एक दिन मेरे घर नहीं आए, बराबर उसको प्रताड़ित करने लगा ड्रग्स दे के और उसको टॉर्चरिंग करके, बुलवा रहे कि कार दीजिए नहीं तो मार देंगे। यहाँ तक कि 12 तारीख को भी, 12 दिसंबर को भी बोला अभी भी 5 लाख रुपया और कार दे दीजिए नहीं तो जान से हाथ धोना पड़ेगा, जिसका कारण ये लोग 30 तारीख को मर्डर कर दिया। ये आपका DGH में भर्ती किया, DGH में भर्ती करने से हमको कोई पता नहीं। मैं ग्रामीण SP को 4 बजे इन्फॉर्मेशन कर रहा कि मेरी बेटी 3 दिन से लापता है, कहीं गुपचुप इलाज चल रहा है, लोग घर खाली कर रहा है। तो ग्रामीण SP में बोला हम पता कर रहे हैं अपने स्तर से। फिर मुनिडी 6 बजे गया, उसके बाद 9:30 बजे हमको पता चला कि वहाँ ये लोग, तब तक जाते जाते देखे तो वो लोग फरार है और वहाँ मृत्यु हालत में मेरे बेटी मिली। फिर मैंने पुलिस को इन्फॉर्मेशन किया, पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम करा के हमको सौंपा गया, और जो है आज ये इन लोग का गिरफ्तारी हुआ। जो हम लोग को अभी तक आश्वासन है कि प्रशासन हम लोग का साथ है और साथ देंगे। इसको सजा हमारा ये है, बाकी हमारा कोई दूसरा ही नहीं, हमारे बेटी को न्याय मिलना चाहिए, इसके लिए हम सबको धन्यवाद। आपकी बेटी क्या नाम? अंजू मारा। आपका क्या नाम है? मोहम्मद मोबिन अंसारी। मामला 29 तारीख को इसका शादी के बाद से दहेज पड़ताल किया जा रहा था, मारपीट किया जा रहा था, लड़की को शोषण किया जा रहा था, नशा ड्रग्स दिया जा रहा था, जगह जगह पर चोटिल कर रहा था। सारा मामला को जानकारी करते करते जैसे 29 तारीख को पता चला कि लड़की को कहीं एडमिट किया गया है, और हम लोग सबको यहाँ पर पुलिस प्रशासन को हम लोग खबर दिए, SP को खबर दिए, कम्युनिटी थाना को खबर दिए। उसके बाद रात में पता चला कि वो BGH बोकारो में एडमिट है। उसके बाद वहाँ पर हम लोग प्रशासन को लिखने के बाद हम लोग को पता चला, हम लोग को खबर दिया गया कि वहाँ पर एडमिट है। हम लोग यहाँ पर सबको जब तक पहुँचे तब तक उन लोग वहाँ पर मृत छोड़ के सब फरार हो चुका था। ससुराल वाला लोग, हम लोग को सिर्फ मृत शरीर मिला और जगह पूरे शरीर में चोट, सब जगह पर पूरे जख्म। उसके बाद से हम लोग उसी दिन से पोस्टमार्टम दूसरे दिन 30 तारीख को हुआ, 30 दिसंबर को। उसके बाद से आज तक 15वां दिन में उन लोग, कल 15 दिन में उन लोग को रात को गिरफ्तार किया गया और आज उन लोग को सबको जेल भेजा रहा है। SIT टीम गठित किया गया, मुनिडी थाना प्रभारी और SIT टीम को हम लोग सबको धन्यवाद देते हैं। और उसके साथ साथ जितना भी प्रशासन उनके पीछे लगा था, पूरे गांव का हम लोग सबको हर जगह पर छापामारी में, हर जगह पर रात 12 बजे 4 बजे पब्लिक से लेकर सबको। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है आज? गिरफ्तारी 7 लोगों की। कौन कौन है उनमें शामिल? मम्मी पापा, लड़का का माँ बाप, क्या बोलते हैं जो दोनों बहन, माँ और क्या मामा और नानी और लड़का। अब क्या उनको जेल भेजा जाएगा? उन लोग को आज जेल भेजा जाएगा, लेकिन हम लोग मांग करते हैं प्रशासन से, यही मांग करेंगे हम लोग और कानून को भी यही बोलेंगे कि उन लोग को कड़ी से कड़ी सजा नहीं, फांसी का सजा हो, ताकि किसी भी बेटी के साथ ऐसा नहीं हो। क्योंकि जो उनको इतना नतीजा देखो जो मारा गया है, ऐसा नतीजा किसी के बेटी के साथ नहीं होना चाहिए, इसीलिए इन लोगों को फांसी हो, ताकि लोग डर के भी कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करे। अंजू मारा हत्याकांड में ना, ये अंजू मारा का जो नतीजा दिया गया है, अंजू मारा के लिए हम लोग इंसाफ मांगते हैं कि अंजू मारा का जितना कातिल है, जो 7 कातिल जो गिरफ्तार किया गया है, साजिश के तहत मर्डर हुआ है, उसके घर से जितना सामान निकला है, चाकू निकला, छुरी निकला, ड्रिल करने के लिए ड्रिल किया गया है पैर में, ये सारा चीज जो निकला है, ये सारा सबूत एविडेंस उन लोग को, क्या बोलते हैं, परसों, आज 14 तारीख हो गया, 12 तारीख को उनका घर से सारा एविडेंस उनका घर से निकला, वहाँ पर वीडियोग्राफी हुआ, वो सारा एविडेंस से पता चलता है कि लड़की को किस तरह मारा गया है और शरीर में जितना चोट है। इनकी गिरफ्तारी कहाँ से हुई है? इनकी गिरफ्तारी किया गया आसनसोल। सारे लोग आसनसोल में छिपे थे? नहीं, 5 लोग ही लोग आसनसोल थे और 1 लोग गोविंदपुर से था और 1 को घर से किया गया था पहले, जब उसका नानी को
जो नानी थी बिबिजन बीबी, उनको किया गया था वहाँ से मुनिदीप से। क्या क्या नाम है इन लोगों का, नाम बताइए। एक बिबिजन बीबी जो नानी है सबसे पहले गिरफ्तार हुआ, उमर अली मामा, लड़का रियाजुद्दीन अंसारी जो अंजुम आरा का हस्बैंड थे, अंजुम आरा का ससुर का नाम शहाबुद्दीन अंसारी, उसका सास का नाम जुबेदा खातून, उसका ननद का एक ननद का नाम कुरेसा खातून, एक ननद का नाम नुरेसा खातून नाम, ये सारे लोगों का गिरफ्तारी हो गई है। और ये सारे लोग साजिश के तहत जगह जगह पर चोट देके मारे हैं, इन लोगों को फांसी का सजा होना और इसमें जितने लोग मिले हुए हैं जलाया गया है पूरा शरीर में हर जगह पर जला जला के लोगों का भी मारा गया है। और इनके साथ जो लोग मिले हुए हैं उसके साथ रेप तक हुआ है, वो रेप का जिक्र अभी तक इन लोग अभी तक बयान नहीं दिया है, लेकिन हम लोग नहलाने के टाइम जो उनका हड्डी टूटा है वहाँ का भूकंप का, उससे पता चलता है कि उसके साथ रेप हुआ है। और वो रेप का बयान उन लोग से लिया जाए और उन लोग को फांसी का सजा हो। अपना पूरा परिचय दे दीजिए। मेरा परिचय, मैं फातिमा जिनक नारी शक्ति अधिकार मंच की सचिव भी हूँ और जंगलपुर का वासी हूँ, जंगलपुर में लड़की का चाची लगती हूँ। माध्यम से ही हम लोग को पता था चला था कि नीरज सिंह के समय में एक बार एसआईटी टीम गठित किया गया था और आज दोबारा अंजुम आरा के केस में एसआईटी टीम गठित किया गया है। और एसआईटी टीम और एसएसपी साहब ग्रामीण एसपी के सहयोग से आज उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 7 लोगों को गिरफ्तार करके पहले 2 लोगों को जेल भेजा गया है और आज कोरोना टेस्ट के बाद उन लोगों को जेल भेजा जाएगा। लेकिन हम लोग का एक मांग रहेगा यही कि उन लोग को तुरंत 3 महीने के अंदर जो कोर्ट में गठित किया जाता है उसके साथ साथ उन लोग को फांसी का सजा हो, ताकि कभी भी किसी भी बेटी के साथ ऐसा नहीं हो। न्याय से संतुष्ट है आप लोग? न्याय से अभी तक जो न्याय मिला है इससे हम लोग संतुष्ट हैं कि उस दिन से त्वरित कार्रवाई हुई है। और जितना भी हम लोग साथ में रह रहे हैं, हम लोग को भी साथ में बुलाया जाता था, जो भी पब्लिक हम लोग 5-6 हम लोग एक गाड़ी में घूमते थे, 12 बजे रात, 1 बजे रात, रात रात भर जग के सबको मिल के आज उन लोग को गिरफ्तार किया है। चलिए, मृतिका के परिवार के साथ साथ गांव के लोग भी जो धर्माद पुलिस की जिस तरह के कहे लोगों को, जो जिस तरह से बहू बेटियों को जला के मार दिया जाता है, उनको फांस वरना हमको नहीं मिलता। किस लिए हत्या किया गया था? बस दहेज के लिए और जबरन इसको और भी रेप की से जो है इनको करने का कोशिश कर रहा था लड़की नहीं करने की वजह से। और हम लोग को 5 लाख रुपया ऑल्टो कार मांगे, नहीं दीजिएगा तो आपका बेटी को हाथ धोना पड़ेगा। कितने लोग इसमें गिरफ्तारी हुए हैं? इसमें 7 लोग गिरफ्तारी हुए। कौन कौन है? अंजुमारा का हस्बैंड ताजुद्दीन अंसारी, इसका ससुर साबुद्दीन अंसारी, इसका सास जिवेदा खातून, इसका ननद नुरेसा, इसके ननद कुरेसा, उसका मामा ससुर उमर अली, उसका नानी बिबिजन बीबी। जिस तरह से न्याय के गुहार आपने लगाए थे, क्या उससे संतुष्ट है? हाँ, अभी तक तो हमको संतुष्ट है कि सरकार प्रशासन इस पर जोर शोर से लगे हुए और कड़ी से कड़ी इसको सजा देंगे, इसके लिए हम आभारी रहेंगे। और हमको संतुष्ट हुआ है कि इसमें सब सहयोग कर रहे हैं और खास करके मुनिदीप के प्रभारी बहुत ही योगदान दिए हैं, जो आज सब सामने है गिरफ्तारी का। और हम लोग को इससे पूरा पूर्ण विश्वास है कि हमको न्याय मिलेगा। बिल्कुल, तो मृतक के पिता का पूरा पूर्ण भरोसा था कि उनको न्याय मिलेगा और इसीलिए शायद इन्होंने धनबाद प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई थी। और आज उनके अंजुम आरा के पति के साथ साथ
लोग उनके परिवार के धनबाद पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। सर बताया जाए कि लगातार धनबाद में इस तरह के मामले देखने को मिलती है, दहेज के लिए बहु बेटियों को जला दिया जाता है, मारा जाता है, क्या कहेंगे? देखिए सर, प्रथम तो हम बधाई देंगे पुलिस प्रशासन को जिन्होंने इतनी त्वरित कार्रवाई की। SSP महोदय ने तुरंत हम लोग मिले थे रमेश टुडू के नेतृत्व में और SIT का गठन किया और SIT का गठन करके उसी दिन से दिन रात पुलिस ने एक कर दिया और आज सातों मुजरिम सलाख के पीछे है। अब हम लोगों का मांग है, हम लोगों का राज्य सरकार से कि आप फर्स्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करके 3 महीना के अंदर इन लोग को फांसी होना चाहिए। ये लोग फांसी के हकदार हैं, ऐसे लोग समाज में रहने के लायक नहीं हैं। इन्होंने हत्या नहीं क्रूर हत्या किया है, ऐसे लोगों को यहाँ जीने का कोई अधिकार नहीं है। ये किसी जाति के नहीं हो सकते, किसी धर्म के नहीं हो सकते हैं। हम यही जानते हैं कि प्रशासन ने बहुत ही अच्छा काम किया है और